हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मिनी प्याज की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। जब घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को बना के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और ये सभी को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम प्याज। ये मैंने बिल्कुल छोटे वाले प्याज लिए। जब भी आप बाज़ार से प्याज लाएँ तो ये जो छोटे वाले होते हैं बस यही साइज़ का प्याज लें। तो इन्हें मैंने इस प्रकार से छील लिया। छीलने के बाद इन्हें बढ़िया से धो लिया है। अब हम एक चाकू से इस प्रकार से सभी प्याज में एक कट लगा देंगे, जिससे जब हम इन्हें ग्रेवी में पकाएं तो सारे मसालों का टेस्ट अंदर तक चला जाए। तो इस प्रकार से मैंने प्याज के सभी प्याज में इस प्रकार से कट लगा दिया है। तो लीजिए, हमारे सारे प्याज कट के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली प्रोसेस में। तो इसके लिए हम लेंगे एक ग्रेटर। अगर आप चाहें तो मिक्सी का जार भी ले सकती हैं, लेकिन हमें इन्हें बिल्कुल दरदरा सा चॉप ही करना है, तो इसलिए हम इस ग्रेटर में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए 2 हरी मिर्च, 2-3 अदरक के टुकड़े, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की और 2 मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। अब हम इन सभी को इस प्रकार चलाते हुए बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगी। अगर आप मिक्सी में चलाएं तो इन्हें बिल्कुल दरदरा सा ही ग्रेट करें, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। तो अब हम इन सभी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगी। तो इन सभी चीज़ों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने जो ये ग्रेटर लिया है इसी में हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और उनको भी इसमें डाल के हम इस प्रकार से बढ़िया सा चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये बढ़िया सा चॉप हो चुका है। तो हमारे सभी मसाले तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम एक कढ़ाई रख देंगे, फिर हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल। अगर आप चाहें तो कोई भी अपने पसंद का कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो तेल ने अच्छे से धुआं छोड़ दिया है। तो अब जो हमने मिनी प्याज लिए थे उनको हम इसमें डाल देंगे और इस प्रकार चलाते हुए हम इन्हें 1 मिनट तक पकाएंगी। जब हम प्याज को इस प्रकार से तल के सब्ज़ी बनाएंगे तो ये बढ़िया से पके हुए होंगे और जो मसालों का फ्लेवर होगा वो अंदर तक चला जाएगा और इनका कच्चा सा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने इन्हें 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम ढक देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक धीमी आँच में और पकाएंगे, जिससे कि ये अंदर तक बिल्कुल पक जाएँ। तो 1.5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे और आप देख सकते हैं इनमें एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ चुकी है, यानी ये अंदर तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे और इस स्टेज में हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए और आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को बहुत ईजिली बना के तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से हमने सारे प्याज को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो कढ़ाई में बचा हुआ तेल है तो ये कम तेल है, तो हम इसमें 1 चम्मच तेल और डालेंगे। अगर आपके अनुसार सही तेल है तो आप इसमें तेल ना डालें। तेल गरम होते ही हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच साबुत सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें कलौंजी। कलौंजी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून राई डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें हींग डाल देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को बिल्कुल धीमी आँच में बढ़िया से पका लेंगे, जब तक इनमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब जो हमने बारीक चॉप करके प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को रखा था उनको हम इसमें डाल देंगे और इस प्रकार चलाते हुए हम 2 मिनट तक पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बढ़िया से भुन चुकी हैं। तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें मसाले। तो इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को इस प्रकार से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसमें कलर बढ़िया आएगा और ये तीखी नहीं होती। और इस प्रकार चलाते हुए मसालों का कच्चापन दूर कर देंगे। तो लीजिए, मसाले हमारे बढ़िया से भुन चुके हैं। तो अब जो हमने टमाटर को चॉप करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी इस प्रकार चलाते हुए हम मसालों के साथ इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और मसाले हमारे जले ना, तो इसलिए हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी डाला है और इन्हें इस प्रकार चलाते हुए हम मिक्स करेंगे।
और टमाटर भी हमारे अच्छे सॉफ्ट हो जाएं, तो इसके लिए हम डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच नमक, और इन्हें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इन्हें कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। इससे हमारे सारे मसाले बढ़िया से पक जाएंगे। तो 1.5 मिनट बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटा देंगे, और आप देख सकते हैं हमारे सारे मसाले बढ़िया से पक चुके हैं। तो इस स्पैचुला से हम इस प्रकार से दबाते हुए इन्हें हल्का सा मसल देंगे, जिससे कि जो टमाटर के टुकड़े हैं ना, ये सारे मैश हो जाएं और ये बढ़िया से ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए सारे टमाटर के जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना, वो बढ़िया से मैश हो गए हैं। अब हम इस सब्जी को बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। कस्तूरी मेथी डालने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश ताज़ा दही। बिल्कुल भी खट्टा दही हमें नहीं डालना, एकदम ताज़ा दही ही डालना है। और इसे डालने के बाद हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, और गैस को रख कर देंगे हाई। हाई फ्लेम में जब पकाएंगे तो दही हमारा ये फटेगा नहीं और ये ग्रेवी में बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। इससे इस ग्रेवी में बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दही हमारा फटा नहीं है और ये ग्रेवी में बढ़िया से पकने लगा है। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, और फिर हम डाल देंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। बस हमें इसमें और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने ही मसालों में ये हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको राइस के साथ खाना है तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, या आप इसे पूरी या पराठे या फिर रोटी के साथ खाना है तो इसमें आप इतनी ही ग्रेवी रखें। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और धीमी आंच में हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए 1 मिनट तक पकाने के बाद इसमें बढ़िया सी उबाल आ चुकी है। तो अब जो हमने फ्राई किए हुए प्याज रखे थे उनको हम इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। प्याज हमारे पहले से ही पके हुए हैं तो इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ी देर के लिए ही पकाना है। तो प्याज डालने के बाद हम इसे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चलिए अब हम इसे ऊपर से कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद धीमी आंच में हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं। तो 4 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए कढ़ाई का ढक्कन हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बन के तैयार हुई है, और कलर भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है सब्जी में। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं प्याज जो है ना वो अच्छे से इसमें ग्रेवी में मिक्स हो चुके हैं और इनका टेस्ट और भी बढ़िया हो चुका है। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, तो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया। और लीजिए हमारी सुपर टेस्टी मिनी प्याज की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म पूरियाँ, रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको ये सब्जी को जूम करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही ना, बिल्कुल जैसे पनीर की सब्जी बन रही है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनके हमारी तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो गैस को हमने बंद कर दिया, कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं एक सर्विंग कढ़ाई में। तो ये देखिए हमारी सुपर टेस्टी मिनी प्याज की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन उसे ज़रूर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।